गुड मूवी, नाइस, मस्त, एकदम मस्त लगे वो दोनों डायलॉग और बाकी सब जो मिडिल क्लास फैमिली का है वो सब बहुत अच्छा दिखाया है। बहुत 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 बढ़िया फिल्म है, वेरी टचिंग। चलेगी ये फिल्म? चलेगी। इट वॉज अ वेरी गुड मूवी, लाइक फ्रॉम अ क्रिटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू देयर वॉज अ परफेक्ट मिक्स ऑफ एवरीथिंग, दिस एक्शन, इमोशन, ड्रामा, रोमांस, कॉमेडी वॉज बैंग ऑन। लाइक For me, the most important part was enjoying myself and feeling very happy. On-screen chemistry was fantastic. Like such a fresh pairing, I did not expect this. It was too good. Very good. Nice, nice. I like this. Sara Ali Khan, yeah. देखिए अभी तक लक्ष्मण उतेकर की जितनी भी मैंने फिल्में देखी हैं उनमें उनकी ये सर्वश्रेष्ठ फिल्म लगी। ऐसा लग रहा था जैसे बासु चटर्जी की या फिर ऋषिकेश मुखर्जी जी की फिल्म देख रहे हैं। इसका जब ट्रेलर लॉन्च हुआ था तो ट्रेलर उन्होंने अच्छे से काटा नहीं था और उन दोनों की केमिस्ट्री भी इतनी नहीं लग रही थी। दोनों एकदम ऑपोजिट है, वो हाइट में कम है, ये हाइट में लंबे हैं, वो सांवले हैं, ये एकदम गोरी हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि ऑपोजिट अट्रैक्ट, वही चीज़ हुई और दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी, फिल्म बहुत अच्छी। और जो छोटी छोटी बातें मिडिल क्लास की उन्होंने उठाई है वो तो बहुत ही गजब है। मैंने उनसे कहा था मिडिल क्लास होना क्या अपराध है, मिडिल क्लास में ही बहुत अच्छे अच्छे लोग लोग लेते हैं या IAS IPS बनते हैं, तो सबसे ज़्यादा मिडिल क्लास के ही बनते हैं। तो मुझे ऐसा लगा था कि थोड़ी सी मजाक उड़ाने वाली फिल्म होगी, लेकिन मिडिल क्लास की खूबसूरती जो है उसको उन्होंने बहुत अच्छे से उभारा। मैं कह सकती हूँ कि ऑर्डिनरी लोगों की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहानी। सारा और विकी ऑन पर्दे पे बहुत खूबसूरत लगे हैं, सच में मियाँ बीवी लग रहे थे। इस तरह से जैसे एक आम हिंदुस्तानी के कॉमन घर में मियाँ बीवी लड़ते हैं, सारा और विकी भी इसी तरह से लड़ रहे थे, लोग इन्जॉय कर रहे थे। ये इनकी नोक झोंक को भी, इनके जो रोमांस के मोमेंट को भी, और फिल्म के अगर गाने की बात की जाए तो बहुत लंबे अरसे के बाद भले ही 2 या 3 गाने थे बहुत ही दिल को छूने वाले, बहुत ही माइंड ब्लोइंग थे। ओवरऑल 5 में से कितना स्टार देना? 5 में से मैं 4 स्टार देना चाहूँगा इस मूवी को। अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी। तो लेट मी कॉम्प्लीमेंट यू, फिल्म बहुत ही अच्छी है, स्पेशली योर कैरेक्टर। टेल मी लाइक हाउ मच डिड यू एंजॉय डूइंग द फिल्म एंड हाउ मच आर यू एक्साइटेड टू वॉच योर सेल्फ ऑन स्क्रीन? थैंक यू वेरी मच। और मैं बताना चाहूँगा मैंने अभी फिल्म देखी नहीं है, अब देखने जा रहा हूँ, लेकिन जिस तरह का फीडबैक मिल रहा है तो एक्साइटमेंट बढ़ गया और भी बहुत पॉजिटिव फीडबैक है और आई होप कि मैंने हमेशा की तरह अच्छा ही किया होगा। हाँ जी, मैंने देखी है और इनाम बहुत बेहतरीन एक्टर है, मेरे दोस्त भी हैं, एंड ही इज प्लेड द कैरेक्टर ऑफ भगवान दास वेरी वेल। आई थिंक इनसे बेटर वो कैरेक्टर कोई नहीं कर सकता, ही इज डन अ सुपर्ब जॉब। और जो डायलॉग पकड़े हैं इन्होंने, जो डायलेक्ट पकड़ा है उस स्टेट का, उस बेल्ट का, क्योंकि हर स्टेट का एक डायलेक्ट होता है, ही इज प्लेड इट वेरी वेल। अभी इस वक्त क्या फीलिंग है अंदर जाने की? अभी धुक-धुक हो रही है, नर्वसनेस है, एक्साइटमेंट है, एंग्जाइटी भी है थोड़ी बहुत, मुझे होती भी है क्योंकि मेरी हर फिल्म मेरा कमबैक होती है, मैं 1 साल के बाद मेरी फिल्म रिलीज़ होती है, तो क्योंकि उसी पे सारा दारोमदार है, 1 साल की मेहनत, वेट करने का, इंतज़ार का फल, तो थोड़ा सा एक्साइटमेंट है, नर्वसनेस है। ओके, लास्टली फैंस को क्या कहना चाहेंगे क्योंकि 1 साल बाद बड़े पर्दे पर आने वाले हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा कि देखो भैया, पायरेसी पे और मोबाइल पे तो आप बहुत सारा कंटेंट देख रहे हो, सिनेमा को बड़े पर्दे पे देख लो, बहुत सारे लोगों के रोज़गार जुड़े हुए हैं इससे। अभी थोड़ा सा स्थिति ठीक नहीं है, तो मेरी अपील है, गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि जाइए बड़े पर्दे पर फिल्म को एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। आई एम वेरी एक्साइटेड नॉट ओनली फॉर माई सेल्फ बट फॉर द होल प्रोजेक्ट बिकॉज लक्ष्मण जी, आई एम अ ग्रेट एडमायरर ऑफ हिम। आई एम वेरी हैप्पी विद दिस लवली मैडॉक प्रोडक्शन, माई टीम, द एक्टर्स, मुझे बहुत खुशी हो रही है और अच्छी पॉजिटिव सी वाइब मिल रही है, बस भगवान करे फिल्म अच्छी चले। और थोड़ी नर्वसनेस तो होती है हमेशा क्या हो रहा है, मेरे सीन्स है कि नहीं लेकिन सारा और विक्की के साथ में काम करने का अनुभव बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आजकल के बच्चे तो इतने फोकस्ड, टैलेंटेड, मतलब जितनी तारीफ करो वो कम है, दे फैबुलस, दे आर बोथ फैबुलस। भाई जल्दी से देखिए और इसको हिट बनवाइए हमारी फिल्म को। सो सर, सबसे पहले तो फिल्म हमने देख ली है, आपने अभी तक नहीं देखी है, लेकिन फिल्म बहुत ही बेहतरीन है, आपका किरदार बहुत ही बेहतरीन है, कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी। क्या एक्साइटमेंट लेवल कितनी हाई है क्योंकि आज यू नो लोग देखने वाले हैं, कल ऑडियंस देखेगी, क्या कहना चाहेंगे?
कुछ लोगों ने देखी है, उनके मेरे को फोन्स भी आए हैं और वो कह रहे हैं कि पिक्चर उनको बहुत अच्छी लगी। मैंने देखी नहीं, मुझे गूज बम्स आ रहे हैं, देखो अभी भी पूरे बाल खड़े हुए, क्योंकि आप लोग जैसे रिएक्शन दे रहे हो, मेरे पास ऐसे रिएक्शंस के बारे में मैं अब मेरी समझ में नहीं आ रहा। ये तो मैं लक्ष्मण उत्तेकर को थैंक यू बोलूँगा जिसने इस तरह का पिक्चर बनाया और मेरे को उस चीज़ का हिस्सा बनाया। ये बहुत बड़ी फिल्म मैंने देखी है, बहुत ही आम आदमी को उनके घर की याद दिलाने वाली फिल्म है, पर डेफिनेटली आपने आपने जब शूट किया था कितने आपको अपने घर की याद आई, कितना अपना जैसा फील हुआ? एक्चुअल में जब हम लोग स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे और सारे कैरेक्टर अपना अपना कैरेक्टर पढ़ रहे थे तो समझ में आ रहा था कि हम लोगों के घर की कहानी है। जो ज्वाइंट फैमिली के रिश्ते हुआ करते थे किसी समय में, जो आज की डेट में ख़त्म होते जा रहे हैं, अब सिंगल फैमिली होती जा रही है, एक ही बच्चा, ये मदर फादर यही करेंगे, लेकिन जो ज्वाइंट फैमिली के रिश्ते होते हैं वो क्या होते हैं ये पिक्चर आपको बताती है। लेकिन सारा और विक्की जैसा फ्रेश पैर है बड़े पर्दे पर, उनके साथ काम करने का वो माइंड ब्लोइंग, दोनों ही बहुत अच्छे हैं, बहुत कमाल के हैं, बहुत ही डाउन टू अर्थ हैं, इतनी तमीज़दार बच्चे, मतलब कमाल है। आज की जनरेशन बहुत आगे है, हम लोग बहुत पीछे हैं, इनसे सीखना पड़ता है आज। लेकिन क्या नया महसूस करते हैं जब आज की जनरेशन को देखते हैं और अपने काम करने के तरीके को देखते हैं? अरे क्या नया, ये लोग बहुत हार्ड वर्किंग है, ये आज की डेट में अपने अपने किरदार से अलग होके दूसरे किरदारों के बारे में जो उनको दिया जाता है उनके बारे में लर्निंग लेना, एक दूसरे से सीखना जो उन्होंने नहीं देखा है, जो हम जैसे थोड़े जिनको लगता है कि हाँ हम कुछ समझा सकते हैं, हम लोगों से सलाह लेते हैं तो हमको भी बहुत अच्छा लगता है कि अरे यार, तो हमको भी लगता है कि ये अगर बच्चे इतनी मेहनत कर रहे हैं तो हमको तो इनसे डबल मेहनत करनी पड़ेगी। क्या लगता है क्या ऑडियंस को सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी और थिएटर में खींच कर लेकर आएगी? आई डोंट नो, मुझे ये लग रहा है कि इस तरीके की पिक्चरें ना आप लोग अपने नज़दीक रखते हो, क्योंकि ये ऐसी पिक्चरें हैं जो आपकी ज्वाइंट फैमिली में आपके साथ क्या हुआ है, आपने किसके साथ क्या किया, ये ऐसी फिल्में ना आपको याद दिलाती हैं। इसके लिए मैं लक्ष्मण उत्तेकर को थैंक यू बोलूँगा जो इस तरीके की पिक्चरें बनाता है जो पारिवारिक थॉट्स जिसमें होते हैं, और उसमें कॉमेडी भी होती है, नोक झोंक भी होती है, इमोशंस भी होते हैं, तो सारी चीज़ों को मिंगल करके इस तरह की पीछे सिनेमा बनाया जाता है। लास्टली फिल्म कल रिलीज हो जाएगी, अपने फैंस से क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म को देखने? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि ये पिक्चर देखो आप लोग सब, मेरे उसमें इंस्टा पे FB पे हुई, प्लीज़ मुझे आशीर्वाद देना, मुझे बताना आप लोगों को ये कैसी लगी, हमारी ओवरऑल कास्ट कैसी लगी, हम लोगों का काम कैसा लगा, हम लोग अपने काम में सक्सेस कर पाए या नहीं कर पाए, ये आप लोगों से बेहतर कोई नहीं बता सकता। नहीं, वो तो हेकड़ी वाला आदमी है लेकिन अपने इमोशन को छुपाता है, जब उसके इमोशन फटते हैं तो लोगों को पता चलता है कि ये बाहर से दिखने में कठोर है लेकिन वैसा भी ये आदमी है नहीं, वैसी मामी है। थैंक यू सो मच सर। आई एम नर्वस, आई हैव टू वॉच माय पिक्चर, आई हैवंट सीन इट। देन लेट मी वॉच इट आल्सो। नो, आई हैव नथिंग टू से। Like, how excited are you? Because the film is going to be releasing tomorrow. What's the feeling? I don't want to see it. Why? Because I can't handle it. Okay, how was your experience working in the film? This cast and crew, very special. And genuinely, everyone says that, na? Lakshman Uttekar is someone very special. Very nice. It's a one-time watch. Very fun-loving, entertaining. एंड जिस तरह से दिखाया गया है, सो आई थिंक मिडिल क्लास फैमिलीज की ये समस्या रहती है, सो इट्स एन एंटरटेनिंग फिल्म। इट हैज वर्क रियली वेल, द एंटायर इमोशनल डायनेमिक्स, दे हैव कम आउट रियली रियली गुड। हाउ वाज द फिल्म जरा हटके? इट वाज ग्रेट, एंटरटेनिंग, इमेंसली एंटरटेनिंग एंड ग्रेट फन टू सी विकी कौशल एंड सारा अली खान टुगेदर। हाउ वाज द केमिस्ट्री ऑन? ओह परफेक्ट, they look like made for each other, both of them are so spontaneous and such natural actors they are, no? So it was really great fun watching them. What about the story of the film? It's such a family oriented. Yeah, it's something different from the other kinds because it starts off and you know one thought it will have its ups and downs. In a very nice way, naturally it flows. Aisa nahi laga ki contrived hai. They're married, then they're divorced, but then it flows so naturally that they miss each other. So it shows the chemistry, they actually made for each other. Okay.
Do you think the film will attract the audience to get inside the theater? Of course, very much. Vicky Kaushal is a great charmer. And Sara looks so beautiful. My God, she looks so much like, you know, her dadi, Sharmila Tagore. She reminds you of Sharmila Tagore every time. Resembles Saif also. Her eyes and all, you know, they're like Saif. And her expressions are pretty. She's got a mother's spontaneity. Mother's quality is there in her. So I think best thing to say, Baib ki, dono ki, apne parents ki, aur maa ki bhi ki. And of course, Vicky Kaushal is class. He's a hunk, dark, tall. I think all girls will fall for him after this. Katrina will have lots of problems. All right, what about the songs? Did you like the song? Oh yeah, lovely songs. And very natural. Malab, hummable or over loud. Not over the top at all. These are over the top films. This was a very natural hue. Wo Pia ka ghar aayi thi na ek baar Jaya Bahaduri, and it reminds me of a better version. Much better version. And she's as good as Jaya. You know, Sara is as surprising. Nobody expected her to be so good. And Vicky, of course, is class. There's nothing to stop Vicky, you know. Like Ranveer Singh, move on. Vicky's here. Since you love the film so much, what's the rating from your side out of 5? Out of 5? I think I'll give it 5. Great, great, entertaining. Because in today's world, it's so relaxed, entertained. All your stress is released. What more do you want? You go for an entertainment and a good lesson to the youngsters. Youngsters ke liye lesson hai. It's meaningful also. It's not like faltu nahi hai. Purpose hai. Apne life ko. Ambitions hai. But don't go mad. Don't go overdrive. It's got a message also. Great message. Thank you so much. Thank you. The film is amazing. We have watched it. We have loved it. We have connected it. Tell me, how much did you connected while shooting the film? I was connected before shoot only. I was connected on the script level. तभी आप शूट कर सकते हो. इफ़ यू आर नॉट कनेक्टेड ऑन द स्क्रिप्ट लेवल, यू कैन नॉट एग्जीक्यूट. सो स्क्रिप्ट लेवल से ही मैं काफ़ी कनेक्टेड था. और ये सारी दुनिया जो है, ये मैंने देखी हुई है, मैंने जी हुई है. और वही एक रीज़न था कि इस दुनिया को बहुत अच्छे से हम ट्रांसलेट कर पाए. तो वही एक आई एम एंजॉइंग जिस तरह का रिस्पॉन्स लोग दे रहे हैं या फिर एंजॉय कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है. फैमिली, एक मिडिल क्लास फैमिली की इमोशंस को दिखाने में कितना डिफिकल्ट होता है कॉमेडी को पोर्ट्रे करना? एक्चुअली मुझे डिफिकल्ट नहीं होता है, बिकॉज मैं खुद मिडिल क्लास से बिलोंग करता हूँ. यू कैन से रादर लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करता हूँ. तो मुझे उस दुनिया का चार्म पता है. जैसे कि हम रोज़ाना में से कुछ ना कुछ बचाते हैं, जैसे फिल्म में डायलॉग है. मतलब हम सब्जी भी लेने जाएंगे तो जब तक भाव तोल नहीं करते हम लेते नहीं. मतलब एक रुपया भी कम हो जाए तो हमें सेटिस्फेक्शन होता है. तो उस दुनिया में रोज़ जीता हूँ. और शायद वही एक रीज़न है कि उस दुनिया का जो ह्यूमर है, उस दुनिया का जो फ्लेवर है, या फिर उस दुनिया की जो वैल्यूज़ है, वो शायद मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, ऐसे मुझे लगता है. और इसीलिए मैं स्क्रीन पर अच्छे से वो ट्रांसलेट कर पाता हूँ. सारा और विकी जैसा फ्रेश पेयर है, ये माइंड में कैसे आया? मुझे लगता है हर एक फिल्म में फ्रेश पेयर ही होना चाहिए, ताकि लोगों को कुछ नयापन मिलता है, लोगों को देखने में अच्छा लगता है. तो वही एक रीज़न था कि सारा और विकी को इस फिल्म में कास्ट करने का. व्हाट डू यू थिंक ऑडियंस को अट्रैक्ट करेगी इस फिल्म को देखने के लिए? क्या सब कुछ है? सब कुछ है. ब्यूटीफुल सॉन्ग्स, सोलफुल इमोशंस, एंड इट्स अ फन राइड. हंसते हंसते फिल्म आपको कहाँ ले जाती है आपको पता ही नहीं चलता. एंड सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये फिल्म हिंदुस्तान के हर एक इंसान को कनेक्ट करती है, हर एक इंसान को. बिकॉज जो इमोशंस हैं इस फिल्म के, वो यूनिवर्सल है. वो हर एक बंदा कनेक्ट करेगा. आई थिंक दैट्स द रीज़न मुझे लगता है लोग इस फिल्म से कनेक्ट करेंगे. लास्टली, कल फिल्म रिलीज़ होने वाली है, क्या कहना चाहेंगे हमारी ऑडियंस से, आपके फैंस? मैं मतलब हाथ जोड़ के दरख्वास्त करना चाहूँगा कि आजकल फिल्में चल नहीं रही है. जाहिर से बात है, उसका कुछ ना कुछ रीज़न होगा क्यों नहीं चल रही है. लेकिन मैं आपको निराश नहीं करूँगा. जैसे मेरी पहली फिल्मों ने आपको एंटरटेन किया है, आपके पैसे वसूल किए हैं, उसी तरह की ये फिल्म है. आप थिएटर में आइए, आई प्रॉमिस यू आपके पैसे वसूल होंगे. And you will laugh, you will cry, you will enjoy, you will get entertained, and with family, सह परिवार आके फिल्म देखिए और बहुत 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 मज़ा आएगा आपको. Thank you.
after 2 years. I am nervous first, and actually I'm nervous and excited together because we've taken 2 years to finally release this film, and I've been waiting for so long. It's finally here. And I'm actually very happy because ऊपर आते वक्त मैंने कुछ लोगों से बात की और उन्होंने फिल्म देखी है, उनको बहुत अच्छी लगी. सो आई एम एक्चुअली वेरी हैप्पी नाउ, आई एम रिलीव्ड अ लिटिल. मेमोरीज का कितना रोलर कोस्टर राइड होने वाला है अंदर, बिकॉज यू हैव शॉट द फिल्म, एंड कितना बहुत ज़्यादा. आई एम जस्ट आई फील बैड दैट विक्की एंड सारा यहाँ नहीं है, बट आई विल होपफुली मीट देम आफ्टर दिस इफ देर इज़ अ सर्टेन रैप पार्टी और समथिंग दैट वील हैव, एंड टेल देम हाउ हैप्पी आई एम टू बी वर्किंग विद देम. एंड I can't wait to watch it. Shuru ho rahi hai. All the very best. Very, very excited, and I hope everybody likes it. I'm very nervous as well. This is a big release for me. I've done films before this, and I hope things changes in my career after this. And well, how was your experience working with Sara and Vicky? Because you are playing the role of the friend of Vicky's. How was your experience? It is very nice. I think both Sara and Vicky supported me a lot. There were time when I was a little down. Both Sara, Vicky and Lakshman sir came to me, told me, don't worry, do it your own way. And that confidence which they gave me was really nice. And I think I really enjoyed Sara's humor on reel and as well as in real life. And Vicky's very patience, and he's a very poised guy. So I really, he'll make you feel that you're very important. The film is amazing, we have watched it, but what do you think will attract the audience the most to watch the film? I think the simplicity of the film will attract the audience, and the humor as well. I am very sure that people will like it, people will laugh and get a little emotional, and I hope everybody's hard work pays off. Well, definitely, but that connect which you have in the film with Sara and Vicky, do you still have the connect with them? And yes, I think the last time we met, it was again we connected. Jo set pe energy thi wapis se wo hua, and that's what I like about both of them. Whenever I meet them, they treat me like I am their own, I am part of the bigger industry, and it's very nice to meet everybody in the film. I think Lakshman sir, wo captain of the ship, I think just values pe kaam hua hai, of values and respect given to each person, individual on set, was really great to see. It's a film which shows about the middle class family, but how much did you relate it to the film when you were working on? I think in the beginning, because the film is set in MP, I was struggling with the accent. But yes, in terms of the class, ki kya cheeze hai, choti cheeze hai, I could relate to it because I come from a middle class family. So उसमें दिक्कत नहीं हुई, बट टू गेट द एक्सेंट राइट वो काफ़ी मेरे लिए दिक्कत था शुरू में, और इन बिटवीन में छोड़ भी रहा था, पकड़ भी रहा था, बट आई लव बट आई हैव टू गो, बट थैंक यू सो मच. आई होप पीपल कम एंड एंजॉय द फिल्म.